अरुणाचल प्रदेश में एक और व्यक्ति में कोरोना संक्रमण का पता चला। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है, जबकि 2 सक्रिय मामले हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ट्वीट कर बताया कि नए मरीज की पहचान पिछली रात ही हो गई थी, जिसे क्वारंटाइन सेंटर से कोविड केयर सेंटर ले जाया गया है। फिलहाल मरीज की हालत स्थिर है। गौरतलब है कि ये व्यक्ति भी चेन्नई से हाल ही में लौटा था। और इस खबर पर हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ी हमारी ईटानगर से हमारी संवाददाता इंदु चुको जी। इंदु, जानना चाहेंगे आपसे वहां के ताजा हालात, नए मामले जो सामने आए हैं उसके बारे में। जी बिल्कुल दुलमुनी, आज ये केस एक नया मामला सामने आया है जो कोविड-19 को लेके, और ये एक श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन से आया हुआ था, जितना आपको जानकारी मिल रही है, जो चेन्नई से आया। तो हाल अभी तक कब आया ये डिटेल्स हमें अभी तक अवेटेड है, लेकिन वो एक श्रमिक ट्रेन स्पेशल ट्रेन से आया चेन्नई से। तो हाँ, तो इसमें जितने भी जो कॉन्टेक्ट जो ट्रेसिंग है वो चालू हो चुका है और चालू किया जा रहा है, जितने जो हिस्ट्री है ट्रेवलिंग हिस्ट्री एंड देन जितने उनके साथ जो आए थे लोग, उन लोगों का भी ट्रेसिंग किया जा रहा है। फिलहाल तो जो पेशेंट है वो अभी एसिम्प्टोमेटिक है और वो नॉर्मल है। तो अभी वो कोविड केयर सेंटर है स्टेट का, क्योंकि हर हमारे जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट है हर डिस्ट्रिक्ट में कोविड केयर सेंटर दिया गया है, तो कोविड केयर सेंटर में उनका ट्रीटमेंट चालू चल रहा है अभी। और इसी को लेके फिलहाल यही मेरा लेटेस्ट जानकारी है। तो इसको लेके इनफैक्ट, क्योंकि जैसे हाल ही में एक ट्वीट आया था पेमा खांडू हमारे मुख्यमंत्री से, जो उन्होंने ऐसे ट्वीट किया कि बहुत सारे और केसेस आ सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग आ रहे हैं बाहर से और अभी भी आ रहे हैं और आएंगे आने वाला दिन में। तो इसको लेके भी कल एक बैठक होंगे हेल्थ डिपार्टमेंट का, जो इनिशिएटिव से एक बैठक बैठेंगे, कैबिनेट सीटिंग होगा और बहुत सारे क्या क्या करना है और बाकी किस तरह उन लोग डील करेंगे, स्टेट किस तरह इक्विप है, इन चीजों को लेके एक बैठक बैठने वाले हैं कल फ्राइडे को। जी इंदु, जानना चाहेंगे कि हाल ही में क्वारंटाइन सेंटर को लेकर भी काफी अटकलें आई थी, काफी सवाल खड़े किए गए थे वहां की स्वच्छता को लेकर। क्या नए क्वारंटाइन सेंटर का अभी स्थापित जो किए गए हैं वहां की स्थिति कैसी है, लोगों का रवैया कैसा है? अभी तो हम लोग ने जी बिल्कुल बारिश के कारण ग्राउंड में नहीं जा पाया दुलमुनि, लेकिन जी रिपोर्ट के अनुसार हमें ये पता लगा कि ये क्वारंटीन सेंटर जो लेखी में जिसको स्टेट क्वारंटीन सेंटर डिक्लेयर किया गया वो अभी फंक्शनल है और अभी 100 लोगों को ले सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना था कि 392 लोगों को एकोमोडेट कर सकता है। लेकिन जैसे हमने लास्ट टाइम भी नोटिस स्लाइड में इसको एक रिपोर्ट बनाया जहाँ पे कंडीशन काफी खराब था, तो अभी तक 392 सीटिंग कैपेसिटी से सिर्फ 100 लोगों को अभी लिया जा सक रहा है और अभी ले रहे हैं।